नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली में 400 पार की गुट्टी अपने कार्यकर्ताओं को पिलाने वाले मोदी के होश उड़ने लगे हैं और चेहरे पर पीलापन भी साफ नजर आने लगा है, क्योंकि राज्यों से आ रही रिपोर्ट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आने लगी है, जिससे बीजेपी टेंशन में है और रणनीति अब दोबारा से फिर बनाने में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी गंभीर है, लेकिन मीडिया में आए सर्वे ने मोदी के होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि 400 का सपना मिट्टी में मिलता दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि इस बार मोदी पीएम तो दूर की बात, लेकिन 272 जुटाने के लाले पड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये एक सर्वे कह रहा है। 2019 में बिहार में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार आरजेडी सर्वे में 8 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि 8 सीटें तो बीजेपी की यही कम हो गई। इसी तरह सर्वे कह रहा है कि राजस्थान में जो 2019 में 25 सीटें जीती थी, इस बार वो घटकर 18 रह सकती हैं। तो अगर हम सर्वे की बात करें तो दो राज्यों में आए आकलन को देखें तो 15 सीटें सीधे तौर पर कम हो जाती हैं और बीजेपी के सामने एक मोटी लकीर खिंच जाती है। ये हम नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, और इसी वजह से बीजेपी टेंशन में चल रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और लोकसभा की 25 सीटों पर भी उसका कब्जा है, लेकिन इस बार हार का डर सता रहा है। और ये हम नहीं, बीजेपी के सर्वे में रिजल्ट आया है, इस बार लोकसभा में 7 सीटें बीजेपी हार सकती है। इसी से मोदी शाह की परेशानी बढ़ी हुई है और कांग्रेस के भीतर खुशी की लहर दिखाई दे रही है। मैंने आपको दो छोटे उदाहरण दिए हैं जहां पर 15 सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों बीजेपी टेंशन में है। हार से टेंशन में आए बीजेपी रणनीति बनाने लगी है। आपको जानकारी देते चलें कि बीजेपी इसी हफ्ते अपने लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा करने वाली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने राजस्थान को दो हिस्सों में बांटा है। पहली कैटेगरी में उन लोकसभा सीटों को रखा गया है जिसे पार्टी की ओर से जीत तय मानी जा रही है। दूसरी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां मौजूदा सांसद की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। ऐसी सीटों पर पार्टी स्थानीय और लोकप्रिय उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है ताकि चुनाव जीतने की कोशिश हो सके। राजस्थान के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर उनकी माने तो पहली श्रेणी में बीजेपी ने 18 सीटों को शामिल किया है। इन लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपनी जीत मानकर चल रही है। ये है वो सीटें, बीजेपी सर्वे में जीतने वाली सीटों के नाम। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झालवाड़ा, बारा, कोटा बूंदी लोकसभा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, जोधपुर लोकसभा सीट, जालोर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू और राजसमंद की लोकसभा सीटें इसमें शामिल हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किन सीटों पर बीजेपी जीत रही है। वहीं बीजेपी के सर्वे से ये भी पता चला है कि कौन कौन सीटें हार रहा है, और अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीटें बीजेपी हार रही है। बीजेपी सर्वे में राजस्थान में हारने वाली सीटें करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर लोकसभा सीटें, बाड़मेर, अलवर और नागौर की लोकसभा सीटें भी इसमें शामिल हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा भी आपको बताते चलते हैं कि पिछली बार 2019 में नागौर सीट पर गठबंधन हुआ था और ये सीट आरएलपी के खाते में गई थी, जहां पर हनुमान बेनीवाल विजेता बने थे। इस बार हनुमान बीजेपी के साथ नहीं है, तो ये सीट भी बीजेपी हार रही है। इससे आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, और ये सर्वे एक मीडिया का है और एक खुद बीजेपी का है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी के होश उड़े हुए हैं और क्यों। इसीलिए बीजेपी अब परेशान है और नई रणनीति पर वो काम कर रही है। आपको ये पूरी खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।